Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking on my channel. We are discussing rearrangement of jumbled sentences. Most of the questions are from 20 marks, CGL carries 20 marks. So a lot of tricks is involved in going to it. This is my 7th video. इसमें ऐसा है कि फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है S1 एंड S6 एंड PQRS ये 4 सेंटेंसेस जंबल्ड हैं एंड वी हैव टू रीअरेंज देम इन सीक्वेंस S1 के बाद जो नंबर आए फिर लास्ट में S6 आएगा. तो तरीका ये है कि इतना पढ़ के स्टोरी टाइप अरेंज करना उतना टाइम यू डोंट गेट इन योर एग्जाम. तो अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक इज इन्वॉल्व्ड और ट्रिक से अगर हम लोग करते हैं तो आसान होता है. तो पहले जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो अगर ये ऑप्शंस 3 हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर कट के 2 हो जाते हैं तो और भी अच्छा है. तो ये उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट सेंटेंस सिर्फ पढ़ लेना चाहिए क्या है किसके बारे में. अ फादर हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ प्रीएम्बुलेटर. प्रीएम्बुलेटर होता है जो ट्रॉली होता है बच्चों का, उसे प्रीएम्बुलेटर कहते हैं और प्रैम भी कहते हैं. वॉज टेम्प्टेड बाई द सनी मॉर्निंग. तो फादर वॉज टेम्प्टेड कि ले जाना चाहिए बच्चे को धूप में. टू स्लिप इन टू अ पब जा रहे थे तो उनको टेम्प्टेड हो गए एक पब में माने होटल में अ ग्लास ऑफ बियर लेने के लिए. तो अब आइए यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है, फादर ये मेन है. अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए. मान लीजिए हम लोग पी को उठाते हैं. इंडिग्नेट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर. शी यहाँ सब्जेक्ट है, शी तो शी प्रोनाउन है. प्रोनाउन किसी नाउन को ये करता है तो नाउन तो यहाँ फादर है, मदर तो नहीं है, इसलिए ये प्रीपोजिशन पी कट जाता है. तो पी से यहाँ पर आपका ये शुरू है तो ये एक ऑप्शन तो खत्म हो गया. अब आइए आर को लेते हैं, क्यू. तो क्यू से कोई नहीं है, क्यू से कोई है भी नहीं तो क्यू भी फर्स्ट में ख़त्म हो जाता है. ऐसे मीनिंग वाइज भी शी है तो शी भी फादर को नहीं डिनोट करता है. दो वे से मेरा ख़त्म हो जाता है. तो अब बचता है आर और एस. पी और क्यू दोनों हट गया तो कहने का मतलब दो ही ऑप्शन रहा कि एस रहेगा या आर रहेगा. इन दोनों में से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा रहेगा. तो आइए आर को देखते हैं. आर लीविंग द प्रैम आउटसाइड ही डिसअपीयर्ड इनसाइड द बार. लीविंग द प्रैम आउटसाइड तो ये तो एस है, पहले इसको लिया जाए आर को, आर है. अ लिटिल लेटर हिज वाइफ तो अगेन हम लोग वाइफ के बारे में बात करते हैं. केम बाई तो यहाँ तो फर्स्ट है फादर और यहाँ शी भी है, दोनों है तो शी भी रेफर करता है फादर को. अगर हम सेंटेंस सेकंड सेंटेंस पी अगर फर्स्ट सेंटेंस को हम लेते हैं कौन सा होगा तो शी तो फादर को रेफर कर रहा है विच इज इनकरेक्ट. तो कहने का मतलब आर भी नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस में तो आर भी ऑप्शन चला गया. तो अब आपके पास बचता है दो ऑप्शन, मतलब रहा कि फर्स्ट सेंटेंस तो अब आपका एस ही हो गया. इसको देख लेते हैं हाउ इट इज करेक्ट. लीविंग द प्रैम आउटसाइड यहाँ पे इनको टू स्लिप इन टू अ पब जाना था इनको तो दिमाग में है तो ही डिसअपीयर्ड. ही कौन है तो फादर है. ऑलवेज प्रोनाउन नाउन को एडी करता है. इन साइड द बार ये अब मेरा फर्स्ट सेंटेंस आता है तो फर्स्ट सेंटेंस एस हुआ. अब एस में दोनों है तो ऐसा अब देखना है कि पी होगा या आर होगा है? तो लेट्स पहले पी को हम लोग देखते हैं. द इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर शी. अब यहाँ फिर शी को रिलेट कर रहा है. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपका सेकंड सेंटेंस फर्स्ट तो फादर वाला हो गया, सेकंड सेंटेंस में भी ही है तो अगर हम थर्ड सेंटेंस में शी को लेते हैं तो ये तो इनकरेक्ट है. शी डज नॉट रेफर टू ही तो इस वजह से तो आपको आर भी कैंसिल हो जाता है, मतलब अरे पी भी कैंसिल हो जाता है. शी डिसाइडेड
तो मतलब एस एस और पी ये नहीं होगा. तो कहने का मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर. ऐसे आर को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं. आर में क्या है कि अ लिटिल लेटर हिज वाइफ केम बाय. तो यहाँ पहले ये आंसर अंदर चले गए पब में. थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ आती है. वेयर टू हर हॉरर वो एकदम चकित हो गई, परेशान हो गई. शी डिस्कवर्ड, शी डिस्कवर्ड. अब एस में तो आपका ये तो चली गई है, ही तो चले गए हैं. अब आते हैं हिज वाइफ. यहाँ पे वाइफ हो गया, यहाँ पे वाइफ हो गया, इसलिए शी इज रेफर्ड टू दिस वाइफ. तो ये करेक्ट है. तो थर्ड सेंटेंस अब आ जाता है पी आर. एस के बाद आर इसका मैंने ठीक है. तो एस आर ऑप्शन ठीक है. ये एस पी नहीं होगा इसलिए ये करेक्ट है. पी क्यू को हम लोग नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा. तो आपका इतनी देर में 5-6 मिनट में आप सॉल्व कर दिए आंसर. पी क्यू में भी देख लेते हैं सही है कि नहीं. अब पी इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड बिहेवियर शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. तो शी यहाँ रेफर करता है वाइफ को ही, इसलिए पी सही है. पी भी सही है. लास्ट सेंटेंस देखिए क्यू और एस सिक्स टैली करता है कि नहीं. शी वीड अवे द प्रैम, प्रैम लेके चली गई और शी वेट कर रही है. लास्ट एस सिक्स है, देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं. शी वेटेड फॉर हिम और किनारे जाके वेट कर रही है. एंटीसिपेटिंग मैंने एक्सपेक्ट कर रही है. द वाइट फेस की देखेगा बच्चा नहीं है तो चेहरा वाइट हो जाएगा. एंड क्विवरिंग लिप्स थर थराते हुए कांपते हुए लिप्स विच वुड सून अपीयर विद द न्यूज. उसके चेहरे से रंग उड़ जाएगा, होंठ कांपने लगेंगे. दैट द बेबी हैड्स बीन स्टोलन. तो ये अरेंजमेंट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि एस आर पी क्यू इज करेक्ट. तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं एंड वी कम टू कंक्लूजन. पहले एक काटे, फिर दूसरा भी काटे, फिर दो में से इसको भी काट दिए, दो बचा है. तो टेक्निक है उसको देखने का बहुत सा. पहले नीचे से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से जहाँ से लिंक मिले. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम. सो दैट आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहे और आपको एग्ज़ाम देने में कम्पीट करने में सहायता मिले. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.